खंडवा में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें समाज के 32 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस एल गुप्ता थे। श्री पूज्य सिंधी समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि सिंधी कॉलोनी में सिंधी सेवा मंडली धर्मशाला में एक्यूप्रेशर सुजोग कंपिंग चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर के विशेषज्ञ 7 दिन तक इस शिविर में सेवाएं देंगे। डॉक्टर अनूप चौधरी, डॉक्टर ज्योति दुबे, डॉक्टर वी आर चौधरी ने सेवा कार्य किया। प्रथम चरण में 32 मरीजों ने अपना पंजीयन करवाकर चेकअप करवाया। सेवा मंडली सचिव संजय सबनानी, मनोहर लाल संतवाणी और कोषाध्यक्ष मनोज गेलानी सहित सभी सहयोगी सेवाएं दे रहे हैं। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम रखवाल की रिपोर्ट। थेरेपी के द्वारा आपका ट्रीटमेंट रहेगा और आपकी जो 7 दिन है उसमें जितने से ज्यादा आप मरीज लाएंगे, इतनी दूर से हम लोग आए तो आप ही जान बूझे एक पेशेंट आएंगे वो भी 10 को लाएंगे तो हमारा शिविर सक्सेस होगा। और प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर सुजो महंगे इसका आज के दिन शरीर में जैसा लोगों का खान पान रहन सहन जो भी चल रहा है ये बहुत जरूरी है। आप सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ भरी जिंदगी में रहते हो तो 10-15-20 मिनट का टाइम निकाल के आप इस स्वास्थ्य शिविर में आए और थेरेपी का लाभ उठाएं। हम आपको उम्मीद जताते हैं कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी जिसका इस थेरेपी में ट्रीटमेंट नहीं होगा और हम जरूर आपको बोल के कहते हैं कि 60-70% बीपी डायबिटीज मोटापा कमर घुटना इस बीमारियों में जरूर लाभ मिलेगा। आप आए इसके लिए मैं सभी उपस्थित लोगों भाई बहना सभी का धन्यवाद है। एक्यूप्रेशर मैग्नेट के जरिए ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारी 4 डॉक्टरों की टीम है यहाँ पे 7 दिवसीय शिविर में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, शाम को 3:30 से 7:30 बजे तक सेवाएं देंगे। और मैं पूज्य सिंधी समाज का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये सेवा के लिए हमारे राजस्थान से बुला के शिविर का आयोजन करवाया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।